अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप एवरीवन इज सेफ साउंड एंड हेल्दी इंशाल्लाह। वेलकम टू माय चैनल व्हिच इज़ बिंत मज़हर। आज हम एक यूनिक और टेस्टी रेसिपी बनाने जा रहे हैं और वो है पोटैटो डोनट्स की। आपने चॉकलेट के डोनट्स ट्राई किए होंगे या मे बी चिकन के भी ट्राई किए होंगे, लेकिन आपके लिए न्यू रेसिपी है और यूनिक और बहुत टेस्टी बनती है। तो इसके लिए आपको जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो है, आपको ये सॉल्ट चाहिए, ठीक है, रेड चिली चाहिए, चिली के फ्लेक्स चाहिए, टर्मेरिक आपको चाहिए और ब्रेड क्रम्स आपको चाहिए, अनियन चाहिए और 2 अंडे चाहिए और फ्रेश कोरिएंडर, चिली और मैश्ड पोटैटो आपको चाहिए होगा। तो चलते हैं प्रोसीजर की तरफ। सबसे पहले आपने क्या करना है, एक बाउल लेना है और उसमें एक जो अंडा है उसको आपने विस्क कर लेना है, ठीक है, बीट कर लेना है और इसको आपने एक साइड पे रख देना है क्योंकि ये हमने ऐड करना होगा थोड़ी देर बाद। हमने क्या करना है, एक बाउल में मैश्ड पोटैटो ऐड कर देना है, फिर हमने इसमें प्याज ऐड कर देना है, फ्रेश जो धनिया है वो ऐड कर देना है, कोरिएंडर जो है क्रश वाला वो ऐड कर देना है, ग्रीन चिली ऐड कर देनी है। इसके बाद आपको चाहिए होगी हल्दी यानी कि टर्मेरिक, आपको अगर नहीं पसंद तो आप स्किप भी कर सकते हैं। आपको रेड चिली पाउडर चाहिए होगा 1/2 टीस्पून, रेड चिली फ्लेक्स चाहिए होंगे आपको 1/2 टीस्पून और 1/2 टीस्पून ही आपको सॉल्ट चाहिए होगा। टर्मेरिक आपको चाहिए होगी 1/4 टीस्पून, ठीक है। इसके बाद इसमें चला जाएगा जो अंडा हमने बीट किया हुआ था वो इसमें ऐड कर देंगे, फिर हम इसमें 2.5 स्पून जो है क्रम्स के वो ऐड कर लेंगे और चेक कर लेंगे कि हमारा जो मिक्सचर है वो सॉलिड होना चाहिए ताकि शेप में वो अच्छी तरह रहे और फ्राइंग में भी वो अपनी शेप मेंटेन रखें। ये मिक्स हो चुका है, थोड़ी सी कंसिस्टेंसी जो है इसकी और मिक्सचर को सॉलिड करने के लिए मैंने 1 टेबल स्पून जो कॉर्नफ्लोर है वो थोड़ा सा और ऐड कर दिया है। आप इसकी जगह जो है 1 टेबल स्पून एक्स्ट्रा क्रम्स का भी ऐड कर सकते हैं, कोई ख़ास डिफरेंस नहीं आएगा। अब जो दूसरा आपने एग लिया है उसको थोड़ा सा विस्क करना है, लेकिन उससे पहले आपने उसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करना है, थोड़ा सा ब्लैक पेपर ऐड कर देना है ताकि ये जब हम कोटिंग करें तो उसमें भी एक अच्छा सा टेस्ट आए। अब हम इसको शेप दे देंगे, जिस शेप में आप कंफर्टेबल हैं आपने उसी शेप में, नॉर्मल कबाब जिस तरह शेप देते हैं आपने उस तरह से उसको शेप दे देना है। और अगर आपको शेप बनाने में मुश्किल होती है तो आप एक सिंपल ग्लास ले सकते हैं और उसके ऊपर अपना जो कबाब है उसका शेप ट्रेस कर सकते हैं इजीली। और फिर सबसे पहले इसका जो है कोट करना है अंडे में, फिर हमने क्रम्स में कोट कर देना है। ये जो क्रम्स हैं ये होममेड हैं यानी कि सिंपल ब्रेड थी और उसके कॉर्नर्स पड़े हुए थे, ड्राई हुए हुए थे, तो मैंने उनको ग्राइंड कर लिया और उन्हीं को यूज़ कर लिया। अब हम क्या करेंगे कि एक छोटे साइज़ का लिड आपके पास, बॉटल का जो कैप होता है वो आपने लेना है और उसमें फिट कर देना है और इस शेप में आपने उसको कट कर लेना है। ये आपकी डोनट की शेप आ जाएगी, थोड़ा सा हाथ से भी सेट कर लेंगे तो प्रॉपरली वो सेट हो जाएगा। ये सारे डोनट्स हमारे हो चुके हैं रेडी, अब हम इसको फ्राई करेंगे। आप इसको शेलो फ्राई भी कर सकते हैं, आप इनको डीप फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये मशवरा दूंगी कि आप इनको शेलो फ्राई ही करें ताकि वो अपनी शेप जो है वो मेंटेन रखें और हैंडल करना आपके लिए ईजी हो जाएगा और ऑयल ऑब्वियसली कम जो है वो कंज्यूम करेंगे तो ज़्यादा बेनिफिशियल है आपके लिए। लो टू मीडियम जो फ्लेम है उस पर आपने इसको जो है फ्राई करना है, गोल्डन सा कलर देना है, गोल्डन से थोड़ा सा ब्राउन लाइट सा दे देना, इससे ज़्यादा कलर आपने नहीं देना है इसको। साथ साथ हिलाते रहेंगे स्पून ताकि कलर जो है वो डार्क ना हो जाए
और ये फ्राई भी हो जाए अच्छी तरह से। फिर हम इसको फ्लिप कर लेंगे चेक करके कि अगर एक साइड जो है वो आपकी डन हो चुकी है तो। ये टेस्ट में बहुत अच्छे बनते हैं, आप इनको ट्राई करेंगे तो आप चिकन के डोनट्स या चॉकलेट के डोनट्स भूल जाएंगे, आपको बहुत अच्छी लगेगी आप रेसिपी ट्राई करेंगे तो। इसके बाद हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। देखते हैं कि जो डोनट्स हैं मैंने सर्विंग के लिए रेडी कर दिए हैं, और आप रेसिपी को ट्राई करिएगा, फिर रिव्यू करिएगा। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो हिट द लाइक बटन, और अगर चैनल पे आप न्यू हैं तो हिट द सब्सक्राइब बटन। थैंक यू फॉर वॉचिंग, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।